बिल्कुल, और इसीलिए हम चर्चा भी कर रहे हैं डॉक्टर वालिया कि ये स्थिति बहुत खतरनाक है और ऐसे में कहीं ऐसा समय ना आ जाए कि जब गंभीर से गंभीर बीमारियों को बचाने के लिए हमारे पास एंटीबायोटिक हो ही ना। डॉक्टर आहूजा, अब आपको मैं जोड़ना चाहूंगी, चूंकि आप क्रिटिकल केयर में हैं और क्रिटिकल केयर में ही एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वहाँ इस्तेमाल किया जाता है, आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं, एंटीबायोटिक का नुकसान किस तरीके से बीते सालों में जो है पेशेंट्स पर दिख रहा है और आने वाला जो भविष्य है उसमें किस तरीके का खतरा दिख रहा है? सबसे पहले धन्यवाद। जैसा कि डॉक्टर कामनी वालिया ने बताया कि पेशेंट जो हमारे पास आता है पहले ही टर्शियरी केयर के अंदर मल्टीपल एंटीबायोटिक्स उसको मिल चुके होते हैं, एंड साथ ही साथ जो हमारे पास कल्चर सेंसिटिविटी की रिपोर्ट आती है के अंदर ऑलरेडी मैक्सिमम ड्रग होते हैं वो रेजिस्टेंट फॉर्म में आए होते हैं, तो इसलिए हमारे को भी एक चैलेंज होता है कि पैन ड्रग रेजिस्टेंट या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को ट्रीट करना, इट्स अ चैलेंज फॉर अस एंड हाउ कैन वी कॉम्बैट दिस थिंग, इट्स ऑलवेज अ चैलेंज। सबसे पहले हमारे को पब्लिक अवेयरनेस बढ़ानी होगी, वो कोविड हो या कोविड से पहले कितने भी कहते हैं छोटे एपिडेमिक या पैंडेमिक या आपके छोटे मोटे फीवर जो चलते रहते हैं सोर थ्रोट कफ के, सबके अंदर एंटीबायोटिक अब्यूज होता है एंड एंटीबायोटिक अब्यूज तीन फॉर्म में होता है इन ह्यूमंस। फर्स्ट इज द फार्मेसी, तो फार्मेसी में इमीडिएटली जाओ आप एंटीबायोटिक मिल जाती है। सेकेंड एट लोकल डॉक्टर आपके जो फर्स्ट केयर प्राइमरी केयर प्रोवाइडर होते हैं वहाँ पर, थर्ड पेशेंट खुद भी अपने आप ही कहते हैं लास्ट टाइम मुझे बुखार हुआ था, गला खराब हुआ था, मैंने एजिथ्रोमाइसिन खाई थी, इस बार भी खाऊंगा मैं ठीक हो जाऊंगा, जबकि वो नहीं जानता कि ये वायरल फीवर है, अगले तीन चार दिन में खुद भी ठीक हो जाएगा। तो पब्लिक अवेयरनेस इज द वन थिंग। सेकेंड इज द हेल्थ केयर प्रोवाइडर ट्रेनिंग, मैक्सिमम जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं हमारे उनको ट्रेनिंग ही नहीं दी गई है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में, एंटीबायोटिक कैसे यूज की जाती है। तो अब टाइम आ चुका है कि एक जैसे गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस दिया जाता है, एंटीबायोटिक यूज के लिए भी लाइसेंस दिया जाना चाहिए कि होम टू गिव द लाइसेंस ऑफ यूजिंग द एंटीबायोटिक।